everyone. I am from Ambition Law Institute and today I am here to discuss all about LSAT examination. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ के फील्ड में अपना करियर देखते हैं और काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी अपीयर होते हैं, बट दे हैव नो नॉलेज अबाउट एलसैट एग्जामिनेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम के बारे में माइन्यूट डिटेल्स दूंगी, जैसे एग्जामिनेशन होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से हम इस एग्जाम में सक्सीड कर सकते हैं, व्हाट इज द सिलेबस, एंड आफ्टर सक्सीडिंग फाइनली हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि एलसेट एग्जामिनेशन है क्या। तो एलसेट एग्जामिनेशन इज लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, जिसे कंडक्ट कराता है लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल। तो बेसिकली ये एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जिसको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल्स पर दे सकते हैं और इसके बेसिस पर हमें कुछ पर्टिकुलर लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, एलसेट एग्जामिनेशन जो है इसको कंडक्ट कराने वाली हमारे पास एक काउंसिल है, विच इज लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल। और हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जो कॉलेजेस इस काउंसिल के साथ एफिलिएटेड हैं। तो वो पर्टिकुलर कॉलेजेस एलसैट में जो स्टूडेंट्स के स्कोर्स आते हैं उन स्कोर्स के बेसिस पर बच्चों को अपने कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं। अब उनका क्राइटेरिया क्या रहता है कि जब बच्चे एलसैट एग्जामिनेशन में बैठते हैं और उसके बाद जैसा उनका रिजल्ट आता है तो जो काउंसिल है वो उनका रिजल्ट पब्लिश कर देती है और पब्लिश करके उन सभी कॉलेजेस को दे देती है जो कॉलेजेस इस काउंसिल के साथ एफिलिएटेड होते हैं। उसके बाद कॉलेजेस अपने लेवल पर अपने अपने कॉलेजेस की एक एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया होता है वो उन स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में एडमिशन देते हैं और आगे फर्दर उनके एडमिशन का और काउंसलिंग का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से एलसैट के स्कोर्स के बेसिस पर आप काफी सारे उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो जो एलसैट को एलसैट के स्कोर्स को एडमिसिबल रखते हैं और जिन कॉलेजेस में एलसैट स्कोर्स के बेसिस पर एडमिशन होता है। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इस एग्जाम को अगर हम फोकस करते हैं, इस एग्जाम को अगर हम एस्पायर करते हैं तो इसके लिए क्या हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी स्टूडेंट्स 12th पास होते हैं, एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि अगर आप 12th पास हैं विद द मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45% तो आप एलसैट एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट, सो देयर इज नो एज लिमिट फॉर एलसैट एग्जामिनेशन। जितनी भी बड़ी एज है आप एलसैट एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं इसे क्रैक करके, पर्टिकुलर इन कॉलेजेस में जो इनके स्कोर्स को एक्सेप्ट करता है उनमें एडमिशन ले सकते हैं। Moving on to the next point which talks about the paper pattern. तो paper pattern यहाँ पर बहुत easy है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर mode हमारा online है। 2019 तक LSAT का जो mode था वो offline था, but उसके बाद COVID protocols की वजह से LSAT का जो mode है वो online हो गया, properly, regularly proctored mode हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लिश है। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि एलसैट कभी भी आपको किसी भी रीजनल लैंग्वेज में देने को मिलेगा, नेवर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट इसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है 2 hours and 30 minutes। ओवरऑल जो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास आएंगे वुड बी अप्रोक्स 92 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि अगर हम लोग लॉ फोकस्ड हैं और हमें कॉलेजेस में एडमिशन लेना है और हमें किसी ऐसे एग्जाम को क्रैक करना है जिसमें हमें नेगेटिव मार्किंग की टेंशन ना हो, वी कैन गो फॉर एलसैट एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सिलेबस। सो सिलेबस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नोटिस। अब यहां पर सिलेबस जो है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन ए है, देन सेक्शन बी हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग पार्ट वन लेकर आता है, एंड आफ्टर दैट सेक्शन सी हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग पार्ट टू लेकर आता है। तो यहीं से आपको ये बात समझ में आ जाएगी होगी कि लॉजिकल रीजनिंग इस पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन डी विच गिव्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी काफी स्ट्रॉन्ग रखना है। अब यहां पर हमारे पास एक ट्विस्टेड सेक्शन भी एग्जिस्ट करता है विच इज सेक्शन ई। अब सेक्शन ई जो है वो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल सेक्शन। अब वेरिएबल सेक्शन में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि यहां पर क्या पूछा जाएगा, इसके लिए हमारे पास कोई सिलेबस नहीं होता, हमें ऑल ऑफ सडन टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जो इनमें से किसी भी सेक्शन के हो सकते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन वहां पर ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, इनमें से कुछ भी वो वहां पर उठा करके जस्ट टू टेस्ट आवर नॉलेज हमसे पूछ सकते हैं। बट उस सेक्शन की एक बेस्ट बात यह होती है कि वो सेक्शन मार्किंग
स्कोरिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब उसके मार्क्स को आपके ओवरऑल एलसैट के स्कोर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी फोकस्ड इज, ये सारे के सारे सेक्शंस करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स का टाइम होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो 35 मिनट्स का वहां पर आपका टाइम चलता रहता है, और जैसे 35 मिनट्स ओवर हो जाएंगे फिर आप उसके बाद जिस भी सेक्शन पे होंगे आपको नेक्स्ट सेक्शन पे आना पड़ेगा। तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करके चलना है, बिकॉज जस्ट इन 35 मिनट्स यू नीड टू कंप्लीट योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जितने भी पार्ट्स आपको करने हैं, जितने भी सेक्शंस करने हैं, यू जस्ट हैव 35 मिनट्स फॉर दैट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, where I am talking about the important colleges you are going to get after LSAT. So basically, हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी list है, which comprises more than 50 colleges. But then I am going to talk about few colleges जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुने होंगे, जो बहुत popular है, जहाँ पर बहुत बच्चे बहुत ज्यादा admission लेने के लिए जाते हैं। So these colleges basically are accepting your LSAT scores. आपके LSAT के scores के basis पर ये colleges आपको admission देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, एशियन लॉ कॉलेज, ILLM यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, लॉयड लॉ कॉलेज, जीडी गोइंका, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एलसैट के स्कोर्स के बेसिस पर आपको लॉ प्रोग्राम के लिए एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो 5 ईयर लॉ प्रोग्राम को फोकस करते हैं, वो क्लैट, ALLM, जिनके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके अलावा जिन बच्चों का फोकस स्पेसिफिकली यही कॉलेजेस हैं, वो एलसैट का एग्जामिनेशन देकर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेकर 5 ईयर प्रोग्राम यहां से भी कर सकते हैं। सो आई सपोज आपको अब तक LSAT के एग्जाम के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, यू कैन अप्रोच मी, एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस आई एम गोइंग टू गिव यू मोर अपडेट्स अबाउट द लॉ बेस्ड एग्जाम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस।